हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीरीज वाले क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी में ये सीरीज वाले क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ये सीरीज वाला, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए और देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कराने वाला हूँ आज की वीडियो में, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो साथ साथ में आप ट्राई भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें बहुत ही अच्छा एक पैटर्न चल रहा है, जो आप अगर फाइंड आउट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे चल रहा है आपका, अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8, 8 से 18, तो ऐसे तो कोई प्लस तो नहीं चल रहा होगा, ठीक है। प्लस करेंगे तो मतलब हर एक स्टेप पे आपका अलग अलग डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो जब भी कुछ ऐसी सीरीज होती है जिसमें आपका डिफरेंस अलग अलग आए, सीरीज बहुत ही फास्ट ना इंक्रीज हो रही हो और स्क्वायर और क्यूब ना हो, तो आपका दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। यहाँ पे चल रहा है मल्टीप्लाई और प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 7 की 1 में और प्लस कर देता हूँ 1, तो क्या बन जाएगा आपका 8, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, 8 में मल्टीप्लाई की 2 की और प्लस 2 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16 + 2 = 18, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 18 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो कितना हो जाएगा आपका, 18 में 3 की तो 54, और प्लस करेंगे 3 तो आपका कितना हो जाएगा, 57, तो यहाँ पे 57 हो गया। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, 57 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 करेंगे तो 57 की 4 में करेंगे कितना आ जाएगा, 228, 228 प्लस 4 करेंगे तो 232 इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे आपका 232 आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने बच्चों ने इसका राइट आंसर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसको ट्राई करिए और जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, जैसे 3 से 9, 9 से 6, 6 से 36 और 36 से 30, यानी कि एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज है। तो पैटर्न पता है फिर क्या चलता है, जब भी इंक्रीज डिक्रीज होता है, या तो पैटर्न चलेगा इस तरीके से, ठीक है, या फिर जो इसमें चल रहा है, या फिर इस तरीके से। देखिए 3 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो बस इसका काम इतना ही था, नेक्स्ट वाली सीरीज से, पूरी की पूरी सीरीज से इसका कोई मतलब नहीं है। फिर आपकी एक दूसरा ही पैटर्न मतलब स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, यानी कि 3 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर, तो फिर 30 का स्क्वायर हम करेंगे तो 30 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 900, तो आपका 900 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और सारे के सारे रिपीटेड हैं, यानी कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छे से मतलब यहाँ पे चीज़ें सीखने को मिलेंगी, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे अगर आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद हों या फिर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस 6 चल रहा है भाई, ए में हमने प्लस 6 किया तो जी आ गया, डी में प्लस 6 कहेंगे तो जे आ जाएगा, और जी में प्लस 6 करेंगे तो एम आ जाएगा। फिर उसी तरीके से आपको नेक्स्ट भी प्लस 6 करना है तो जी में प्लस 6 करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा एम, जे में प्लस 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा पी, और एम में प्लस 6 करेंगे तो आपका एस, यानी कि एम पी एस आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सारी सीरीज में आपको कराने वाला हूँ, बस वीडियो का आप पूरा एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्राई करिए जल्दी से और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 4, 10, 22, 46 नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए सीधा सीधा सा है बिल्कुल। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 6 होगा, इन दोनों का डिफरेंस 12 होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 24 होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 मतलब हर बार डबल हो रहा है, तो यहाँ पे 6 में मल्टीप्लाई हमने 2 की तो कितना हो जाएगा, 12, और फिर नेक्स्ट हमने 12 प्लस किया, फिर 12 में मल्टीप्लाई 2 की 24, तो नेक्स्ट हमने 24 प्लस किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो कितना हो जाएगा, 48, और 46 में 48 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, 94 हो जाएगा, तो 94 आपका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। समझे ना आप इस चीज़ को, एक बार देखिए थोड़ा सा ध्यान से, मतलब कि आपका क्या चल रहा है यहाँ पे, प्लस 6 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 48, यानी कि जो भी पहले नंबर ऐड हुआ है उसमें 2 की मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये वाली सीरीज भी बहुत फेमस है, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछी जाती है। मतलब सीरीज यहाँ पे फेमस का मतलब होता है ये वाला पैटर्न, ये वाला क्वेश्चन नहीं,
ये वाला पैटर्न जो फॉलो हुआ है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ट्राई करिए जल्दी से, बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है। ठीक है, दिखने में देखिए कई बार क्वेश्चन दिखने में बहुत हार्ड लगता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि यार बड़ा ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा और बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन होगा, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप भी कहेंगे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्राई करके देखिए एक बार। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, देखिए जब भी मैं बोलता हूँ क्वेश्चन ट्राई करिए तो वीडियो को रोक करके ट्राई कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि मैं टाइम नहीं देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टाइम देता हूँ ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आप टाइम देते हैं तो टाइम वेस्ट होता है, तो आप जो बिल्कुल सही बात है, अगर आपको टेस्ट लगाना है तो एक बार आप वीडियो को रोकिए और ट्राई करिए और फिर अपना स्टार्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, प्लस वन, सी से डी प्लस वन, डी से ई, ई से एफ और एफ से नेक्स्ट क्या आएगा जी, यानी कि हमें सबसे पहला वर्ड तो मिल गया। तो यहाँ पे सभी में जी तो है, अभी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, क्योंकि जी सभी में है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहला वर्ड आपका जी होगा, नेक्स्ट आपका ओ, ओ ओ इसका मतलब नेक्स्ट में भी ओ आएगा, तो नेक्स्ट आपका ओ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, थ्री से फोर, फोर से फाइव, फाइव से सिक्स, सिक्स से आपका नेक्स्ट सेवन आएगा, तो यहाँ पे सेवन हो जाएगा। देखिए जी ओ सेवन, जी ओ सिक्स तो ये हट जाएगा, जी ओ सिक्स ये हट जाएगा, जी ओ सेवन तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो के है, सभी में के है, इसमें भी के है, तो नेक्स्ट आपका के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो लास्ट वाला है इसमें पी है, बट यहाँ पे क्या चल रहा है, क्यू आर एस, नेक्स्ट आपका टी आना चाहिए, यानी कि एक आपका सीरीज जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, तो आप समझ गए, एक बार तो आपका प्लस वन चल रहा है, एक बार सेम चल रहा है, एक बार प्लस वन चल रहा है, एक बार सेम चल रहा है, तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, जी ओ सेवन के टी, तो जी ओ सेवन के टी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऐसा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा है, एनालॉगी का एक क्वेश्चन है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया और एनालॉगी हो गया, ये मतलब सेम से ही क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको सबसे मेन चीज़ आप सुन लीजिए यहाँ पे, अभी अल्फ़ाबेट के नंबर्स आपको याद होने चाहिए, ए बी सी डी जो होती हैं उनके आपको पता होने चाहिए कि ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, सी कौन से नंबर पे आता है, डी कौन से नंबर पे आता है। अगर आपको ये याद है तो मान के चलिए, कम से कम बता रहा हूँ, 6 से 7 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं उसी के बेस पे। अगर आपको याद नहीं है तो एक ट्रिक मेरी सुन लीजिए कि आपको याद कैसे रखना है। अगर बिल्कुल याद ही नहीं है तो फिर तो आप एक काम करिएगा, जब भी आपको रफ सीट मिलती है ना, आप एग्जाम देने जाते हैं और रफ सीट आपको मिलती है, तो उस पर आप जाते ही एक काम कर लीजिए, ए से एम तक, एम के नीचे एन और जेड तक, इस तरीके से सीरीज को लिख लीजिए, उनके ऊपर नंबर डाल लीजिए। ये बिल्कुल 30 सेकंड का काम है, ए बी सी डी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके ऊपर नंबर डालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप 30 सेकंड में इसको लिख सकते हैं, जाते ही 3-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके डायरेक्ट बन जाएंगे इससे। ठीक है, तो इस काम को भी जरूर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चल रहा है प्लस वन, देखिए डी में मैं प्लस वन करूँगा ई, ठीक है, और फिर यहाँ पे ई में प्लस वन करूँगा तो एफ, और एफ में से माइनस टू करूँगा तो डी, यानी कि प्लस वन और माइनस टू चल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो इसमें आपका एफ का प्लस वन करेंगे तो आपका ये जी हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस वन जी, जी में प्लस वन तो एच, और एच में से माइनस टू तो एफ, तो जी एच एफ इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 था, तो ट्राई आपने कर लिया होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का सभी आंसर कर सकते हैं। देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका स्क्वायर के आधार पे, यहाँ पे देखिए अगर 225 अगर मैं बात करूँ, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है, सभी बच्चे को पता होगा इतना कि ये 15 का स्क्वायर है और नेक्स्ट आपका 16 का स्क्वायर है, ये नेक्स्ट आपका 16 का स्क्वायर है, यानी कि आपने ये एनालॉजी का क्वेश्चन है तो इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये 15 का है तो नेक्स्ट आपका 16 का है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा कि 289 जो 289 है वो 17 का स्क्वायर है। ठीक है, 17 का स्क्वायर है तो नेक्स्ट आपका 18 का आएगा, और 18 का स्क्वायर कितना होता है ये भी आपको पता होगा, 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 324 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 16 का स्क्वायर, फिर 17 का स्क्वायर, फिर 18 ये मैंने आपको यहाँ पे गलत बता दिया, 15 का स्क्वायर, फिर 16 का स्क्वायर, फिर 17 का, और नेक्स्ट आपका 18 का, तो 18 का स्क्वायर 324, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो कोई क्वेश्चन हार्ड थोड़ा ही था, ये सभी को पता है कि स्क्वायर पे अगर क्वेश्चन बनता है तो वो साफ मतलब दिखता है कि स्क्वायर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, स्क्वायर वाली सीरीज है या स्क्वायर वाला एनालॉजी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 है ये, और 8 का राइट आंसर जल्दी से करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है पुस्तक, कागज, रोटी। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको बताना है। देखिए, पुस्तक आपकी कागज से बनती है, तो रोटी किससे बनेगी? आटे से, बिस्किट से, केक से, मक्खन से? तो ऑब्वियसली बात है आटे से बनेगी, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कई बार बहुत सारे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है आरपीएफ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें आपको विषम शब्द छांटना है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर या संख्या समूह चुनिए। तो ट्राई करिए जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 10 है, ठीक है, ये 11 है, ये 12 है, और ये 13 है, ठीक है। 8 क्वेश्चन तक हो चुके थे ना, तो ये 9, 10, 11, 12, इनका जल्दी से आंसर करिए। एक बार वीडियो को रोक करके ट्राई करिए, और कमेंट बॉक्स में चारों के आंसर चाहिए, ठीक है, पांचों के आंसर चाहिए। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप जरूर इनका आंसर करेंगे, और आपने कर दिया होगा वीडियो को रोक करके। मैं आपको बताता हूँ इनके राइट आंसर क्या हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर मैं 9 की बात करूँ, तो ये देखिए मार्च, दिसंबर, जुलाई और सितंबर, इन सभी में आपका जो सितंबर है वो 30 का एक महीना होता है, यानी कि 30 डेज का महीना होता है, मंथ होता है। और ये जुलाई, दिसंबर और मार्च, ये सभी 31 के होते हैं। ये भी 31 का होता है, ये भी 31 का होता है, और ये भी 31 डेज का मंथ होता है। तो इसका मतलब इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा, विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, ठीक है, सॉरी, हाँ, जो ये 10 है ना आपका, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसमें बहुत ही सिंपल सा है, आपने सभी ने कर दिया होगा। इसमें देखिए सभी में 5-5 अक्षर है, बट ऑप्शन ए में 4 है। देखिए इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन ए भिन्न हो जाएगा इसमें, ठीक है, विषम हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा था मैं जब अभी बोला था। तो क्वेश्चन नंबर 11, 10 एक बार ट्राई करिए और इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो यहां पे क्या चल रहा है, डिवाइड बाय 2 और माइनस 3, ठीक है, डिवाइड बाय 2 और माइनस 3। बट यहां पे ऑप्शन ए थोड़ा अलग है, बाकी के हम चेक कर लेते हैं। इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 24, 24 में से माइनस 3 करूंगा तो 21 बन गया ये। नेक्स्ट मैं ट्राई करूंगा 56 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 28 में से 3 माइनस करूंगा तो 25। नेक्स्ट मैं 63 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 34 में से माइनस 3 करूंगा तो 31। बट यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा अलग है, तो यही आपका जो है विषम हो जाएगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया गया है, 2 से डिवाइड 18 और 3 में से माइनस 1 करेंगे तो 17, तो ये आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों में पैटर्न फॉलो हो रहा है वो इसमें नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यही भिन्न हो जाएगा। ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 11वां हो गया। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। बहुत ही सिंपल सा है ये, सिंपल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सभी ऑप्शन की बात करूँ, देखिए जीव विज्ञान, ठीक है, रासायनिक विज्ञान, भौतिक आपका हो गया, ये भूगोल, तो यहाँ पे सारे के सारे ये विज्ञान के सब्जेक्ट हैं, और ये आपका भूगोल अलग हो गया, तो यही आपका विषम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए और राइट आंसर का कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो 13 क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट जो अल्फाबेट है इसमें प्लस 2 कर दे तो तीसरे वाला आपका बन जाता है, ठीक है। फर्स्ट में प्लस 2 कर दे तो थर्ड बन जाएगा, फर्स्ट में 2 प्लस कर दे तो आपका थर्ड वाला बन जाएगा। बट यहाँ पे जो फर्स्ट है इसमें 4 प्लस हो करके आपका जेड बन रहा है, तो यही आपका विषम हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में सेम पैटर्न, सेम चीज़ फॉलो हो रही है और इस वाले में नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यही आपका अलग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया 14 हो गया आई थिंक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है और इसको ट्राई करिए और राइट आंसर का जो आंसर है आपका इन चारों में से, ऑप्शन में से, वो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। तो यहाँ पे सीरीज है आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर आपकी कई तरीके से हो सकती है, या तो माइनस हो सकता है कुछ, या फिर हम डिवाइड करते हुए चलेंगे तब भी डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जब डिवाइड करते हैं तो सीरीज बहुत ही जल्दी से डिक्रीज हो जाती है, यानी कि बहुत ही जल्दी जीरो पे भी पहुंच सकती है, और बहुत बड़ी जो संख्या होगी वो भी आपकी छोटी संख्या बन सकती है जब डिवाइड होगा। बट जब कुछ हम माइनस करते हुए चलते हैं ना, तो सीरीज आपकी बहुत ही धीरे 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 डिक्रीज होती है, ठीक है। तो वही बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अगर आप इतनी चीज़ें समझ जाते हैं तो कभी भी ये सीरीज वाले क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, और बहुत ही कम टाइम में आप कर सकते हैं। यहाँ पे सीरीज में चल रहा है माइनस 66।
अगर मैं इस में 325 में से 66 माइनस कर दूं तो 295 बन जाएगा। नेक्स्ट मैं माइनस कर दूं 55, तो 55 माइनस कर दूं तो 204, सॉरी ये 259 होगा भाई, ठीक है 295 नहीं 259, ये मिसप्रिंट हो गया यार, कई बार चीज़ें मिसप्रिंट हो जाती है, तो ये 259 रहेगा 259। 325 में से मैं माइनस करूँगा 66 को, तो 259 रहेगा, ठीक है 259। अब 259 में से मैं 55 को माइनस करूँगा तो 204, 204 में से मैं माइनस करूँगा 44 को तो 160, 160 में से 33 को माइनस करूँगा तो 227, 227 में से मैं 22 को माइनस करूँगा तो आपका कितना हो जाएगा 105, और 105 में से 11 को माइनस करूँगा तो आपका राइट आंसर बन जाएगा 94, ठीक है। अब ये सीरीज देखिए क्या चल रही थी, -66 -55 -55 44 -33 -22 -11। आप सीरीज को समझ गए ना, 66 55 44 33 22 11, यानी कि 11 11। तो इस तरीके से आपने ये सीरीज चल रही थी और इसमें 94 आपका राइट आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इसको ट्राई करिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसमें चल रहा है आपका +1, किस तरीके से +1 BC, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा D, ठीक है इसी तरीके से यहाँ पे +1 तो J, +1 तो K, और K में +1 करेंगे तो L, यानी कि DL आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, तो 15 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन और भी मैं कराने वाला हूँ, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको अच्छी लगी है और इस टाइप के और भी क्वेश्चन मैं कराऊँ, तो आपको कम से कम मैं 30-40 क्वेश्चन तो कम से कम करा दूंगा इसी टाइप के, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो तो इंपॉर्टेंट रहेगी, आगे आने वाली वीडियोस भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म, और यहाँ पे आज की वीडियो में हमने देखे 15+ क्वेश्चन थे, आई थिंक, ठीक है 15 क्वेश्चन थे। तो 15 में से आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपके गलत हुए और कितने आपने राइट किए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कैसा लगा आपको ये टेस्ट, कैसी लगी आपको ये वीडियो, जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना के लिंक दे दिए हैं, तो उन लिंक पे जाकर के आप सारी वीडियोस को देख लीजिए, और जितने भी आपको डाउट्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पे जाकर के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी PDF मिल जाएगी जिनको आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।